प्रयागराज में ऑन ड्यूटी शराब पीते उप निरीक्षक का वीडियो हो रहा है वायरल। ऑन ड्यूटी वर्दी में बोतल से पी जा रही है शराब। थाना शंकरगढ़ के उप निरीक्षक रजनीश कुमार सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रयागराज एसएसपी ने दिए हैं जांच कर कार्रवाई के आदेश। बड़ी खबर प्रयागराज से, ऑन ड्यूटी शराब पीते उप निरीक्षक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ऑन ड्यूटी वर्दी में बोतल से पी जा रही बियर तस्वीर में आप देख सकते हैं। उप निरीक्षक का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, बियर पीते हुए ये बोतल से नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रयागराज के एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऑन ड्यूटी और वर्दी में बोतल से यहां पर बियर पी जा रही है, उप निरीक्षक हैं ये और रजनीश कुमार, इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बोतल से बियर पी रहे हैं, वो भी वर्दी में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जगदीश सिंह जुड़ चुके हैं। जगदीश, दर्शकों को हम ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें उप निरीक्षक रजनीश कुमार सिंह साफ तौर पर बियर पीते हुए बोतल से वर्दी में देखे जा सकते हैं। हालांकि एसएसपी ने आदेश दे दिए हैं कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कुछ अभी अपडेट निकलकर सामने आया है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के शंकरगढ़ का मामला है और ये बिल्कुल आप बिल्कुल जिस तरह देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ईसाई है वो वर्दी में वहाँ पे शराब की बोतल लिए और दारू ये पी रहे हैं। इस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया कि भ्रष्टाचार के बक्से नहीं जाएंगे। उसी कड़ी में प्रयागराज एसएसपी सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने बिल्कुल आदेश दिया है, कि जांच कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रजनीश ईसाई साहब है वो तो पीड़ित व्यक्ति को बिल्कुल धमकाते हैं, उससे ड्राइवरी कराते हैं और जब ड्राइवरी करने से मना करता है तो उसके खिलाफ तीन शिक्षक का मुकदमा कायम कराने की धमकी देते हैं। जी जी जगदीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं वर्दी में बियर पीते हुए नजर आ रहे हैं उप निरीक्षक साहब। हमारा तो प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।